तो दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है कि जो हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और साथ में रिकॉर्डिंग करने के बाद जो एडिटिंग करते हैं और जिसका जो फाइनल आउटपुट मिलता है उसकी साइज काफ़ी बड़ी होती है। दोनों की साइज काफ़ी बड़ी होती है, रिकॉर्डिंग करने से लेकर एडिटिंग तक। और साथ में कभी-कभी क्या होता है कि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे तो उसकी साइज बड़ी होने के कारण काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आपके पास 4G नेटवर्क है, अगर आप किसी सिटी में हो तब तक तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, गांव देहात में रहते हैं। अगर वो नए यूट्यूबर हैं, अगर वो गांव देहात में रहते हैं और यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं और उनकी वीडियो की साइज हो जाती है बड़ी, जिनकी वजह से उनको अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और उनके पास 4G नेटवर्क भी नहीं है, नेटवर्क ठीक से नहीं आता है। तो आज मैं आपको ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप वीडियो की साइज बहुत कम कर सकते हैं और क्वालिटी भी आपकी ख़राब नहीं होगी। केवल जो साइज है ना, जैसे कि GB की साइज है तो MB में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आज मैं आपको ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, और अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि वीडियो की जो साइज़ है वो कम हो जाए और क्वालिटी भी ख़राब ना हो, और जो रेजोल्यूशन है वो भी उतना ही रहे जितना कि मैंने रिकॉर्डिंग किया था। तो चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ इस सॉफ्टवेयर के बारे में कि कैसे अपने वीडियो की साइज को कम करते हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में कंटिन्यू। तो चलिए इस वीडियो की साइज कम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज फटाफट से बता देता हूँ इस सॉफ्टवेयर के बारे में कि कैसे काम करता है। देखिए, इस सॉफ्टवेयर का नाम है हैंड ब्रेक। ये एकदम फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड करके यूज ले सकते हो। तो देखिए, इससे वीडियो की साइज़ कैसे कम कर देते हैं मैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये रहा मेरा वीडियो, तो पहले इसकी मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पर जाता हूँ और देखता हूँ कि ये मेरा ही वीडियो है, 320 MB का है। यहाँ पर देख लीजिए, 320 MB बता रहा है। और इसकी डिटेल में जाऊंगा तो यहाँ पर है 1280 और 720 इसका रेजोल्यूशन। तो एक बार और बता देता हूँ कि ये इसकी साइज है 320 MB, याद रखना। तो मैं इसे हैंड ब्रेक सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। ओपन होने के बाद आप यहाँ पर फोल्डर या फाइल चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फाइल चूज़ करता हूँ जो कि मुझे जिसकी साइज़ कम करनी है। तो मैं यहाँ पर फाइल पर क्लिक किया और यहाँ पर बताएगा कि आपका वीडियो कहाँ पर है। तो मेरा वीडियो है डेस्कटॉप पे, तो यहाँ से वीडियो में उठा लेता हूँ। ये रहा मेरा वीडियो, बोया माइक वाला, तो इसको मैं यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा वीडियो आ गया यहाँ पर। अब मुझे देखिए, यहाँ पर साइज़ बता रहा है 1280, 720, यहाँ पर भी साइज़ बता रहा है इसकी हाइट और विड्थ। कुछ नहीं करना है। और यहाँ से देखिए, यहाँ पर तो यहाँ पर है फास्ट 720p 30 फ्रेम पर सेकेंड। तो फिर आप इसको चूज़ करके, और यहाँ पर है डेस्टिनेशन, मतलब यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि वीडियो आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ ब्राउज़र में क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे ही इसको सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे देता हूँ, KBC। और यहाँ पर है ऑलरेडी सिलेक्टेड है MP4, देख लीजिए आप। और यहाँ पर सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर बता रहा है, देखिए नीचे स्टार्ट हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा आगे जा रहा है। तो थोड़ा सा आप वेट करिए, टाइम ले सकता है। और आप यहाँ पर प्रीव्यू में क्लिक करके इसका जो आउटपुट होने वाला है उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो मैं इसको प्रीव्यू पर क्लिक कर देता हूँ और देखिए, इसकी साइज़ ऐसी रहेगी आउटपुट में होने के बाद, तो ये बता रहा है। अगर इससे भी ख़राब आती है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो मैं तो कैंसिल नहीं करूँगा, कंटिन्यू रहने दूँगा। और ये कंप्लीट होने वाला ही है, और फाइनली कंप्लीट हो ही गया।
आप चाहो तो इधर से, अगर आपको नहीं है तो, अगर आप चाहो तो आपको अगर नहीं करना है तो वहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हो। तो फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है, देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे इस सॉफ्टवेयर को। और ये रहा पहले वाला वीडियो जिसकी क्वालिटी हमने कम किया था, ये रहा कम वाला, ए बी सी हमने नाम दिया था। पहले इसको मैं प्ले करके बता देता हूँ ताकि आपको पता तो चल जाए, तो इसको मैं प्ले करके हेलो बता देता फ्रेंड्स, हूँ नमस्कार। तो आप इसकी क्वालिटी देख लीजिए कैसी है। ये मैंने मोबाइल से रिकॉर्डिंग किया था। अब मैं बता देता हूँ जिसकी मैंने साइज कम किया है, तो ये रहा वो वीडियो, ए बी सी नाम है इसका। तो मैं इसको प्ले करके बता देता हूँ, तो आप देखिए अभी आपको बिल्कुल माइनरी थोड़ा ही फर्क होगा, बाकी ज़्यादा फर्क कुछ भी नहीं होगा, आपकी क्वालिटी एकदम बरकरार रहेगी। ये देख लीजिए, तो आपने दोनों वीडियो देख लिए। अब मैं आपको साइज़ बता देता हूँ, ये रहा पहले वाले की साइज़ जिसकी 320 MB, यहाँ पर बता रहा 320 MB, और इसकी साइज़ भी वही है 1280x720। और इसकी साइज़ मैं बता देता हूँ, ये रहा, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी पे गया, और इसकी देखिए 166, कहाँ 320 MB और कहाँ 166। और यहाँ पर डिटेल में गया तो इसकी साइज भी वही है, इसकी 1280x720 पिक्सल साइज और 166 MB बता रहा, तो कितनी साइज कम हो चुकी है और क्वालिटी भी आपकी ख़राब नहीं हुई। तो कितना अच्छा है सॉफ्टवेयर, मैं तो इसको पर्सनली काफ़ी टाइम से यूज करता हूँ। तो उम्मीद है वीडियो से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। और चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।